आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। पहले तो जोरदार तालियां। और ये खुशी की बात क्या है मैं बता दूं, आज जो हमारे लिए अचानक से एक तड़ाकेदार जो न्यूज आई है ना, सीबीएसई का बोर्ड रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और हमारे अपने शहर मुजफ्फरनगर से भाई हमारी लड़की ने टॉप किया पूरा इंडिया एक बार और यही नहीं, हमारे साथ यहाँ पर करिश्मा है जो जिन्होंने मुजफ्फरनगर से टॉप किया है, तो पहले तो उनका वेलकम करते हैं। हाय करिश्मा। हाय। हाय। सो करिश्मा जो है इन्होंने ये ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट है एंड शी गॉट 499 out of 500। कैन यू लाइक इमेजिन, लाइक करिश्मा मुझे ये बताओ, जो अभी हमारे आरजे शिवा मुझसे पूछ रहे थे, वो एक नंबर कहाँ, एक क्यों? वो एक नंबर इकोनॉमिक्स में कमाया है। इकोनॉमिक्स में यार देखो 499 में ना जितना तुमने किया है उतने में तो लगभग से लगभग 10 लड़के पास हो जाते हैं। लड़कियां रॉक्स, ऑलवेज रॉक्स। सो अच्छा तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, हाउ आर यू फीलिंग अभी? बहुत ओवरवेलमिंग है और बिल्कुल भी, यू नो एवरीवन एक्सपेक्ट्स अ गुड रिजल्ट, आई आल्सो एक्सपेक्टेड अ गुड रिजल्ट बिकॉज मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे, पर इंडिया टॉप करना तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। ओह वाओ सीरियसली, सो लाइक अभी तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग होगी। एक्जेक्टली। सो हाउ आर योर पेरेंट्स फीलिंग? आप बोलो, आपके पेरेंट्स कैसे? बहुत खुश है और वी आर इक्वली शॉक्ड क्योंकि अपना रिजल्ट देख के अच्छा ये मेरा ही रिजल्ट है ऐसा वाली फीलिंग थी। ओके एंड हाउ, लाइक आप अपनी प्रिंसिपल मैम से मिली होंगे जाके, उनका क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थी, बहुत, सब इतने खुश है, इतने खुश है और सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। नाइस। मुजफ्फरनगर आप सुन रहे हैं यहाँ पर करिश्मा को, जो कि हमारे साथ इस टाइम लाइव हैं हमारे रेडियो स्टेशन पर, उनकी मॉम भी हमारे साथ है। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा फील हो रहा है बीइंग अ मदर, हाउ डू यू फील? ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम कम ट्रू, राइट? आई कैन फील दैट ऑल्सो बिकॉज पहली बात तो ये लड़की है, मेरे लिए खुद बहुत बड़ी बात है और बहुत ज्यादा अच्छा एक, मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप ही कीजिए। एक्चुअली मेरी दो बेटी हैं जी, बड़ी वाली डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी और ये भी जैसे बहुत अच्छी रही पढ़ने में, तो हमें काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस थी जी, पर इंडिया टॉप, ओ माइंड ब्लोइंग, ओ माय गॉड वाली फीलिंग है इस टाइम पे। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका नाम पूरे शहर को बताइए। मोनिका अरोरा जी। मोनिका अरोरा जी हमारे साथ में है, आपके पापा को कैसा फील हुआ? पापा को तो बस बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा, पापा मेरे से ज्यादा खुश थे। एग्जैक्टली। अच्छा आपकी जो सिस्टर है वो आपसे बड़ी है डेफिनेटली, और अभी हमारे जो आरजे शिवानी वो इधर एक्साइटेड है बात करने के लिए करिश्मा से, आप बताओ क्या बोलना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ आज तो भर भर के मिठाइयाँ बटनी है खाली, है कि नहीं? जबरदस्त वाली फीलिंग, मतलब हमने तो कभी मतलब सोचा नहीं, हमने खाली सपने में सोचा कि 499 नंबर कभी हमारे 500 में आ सकते हैं, लेकिन आपके जैसे टॉपर हो सकते हैं हमारे बीच में। अभी क्या है कि आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि मतलब एग्जाम जब देने गई थी तो क्या खा के गई थी, मतलब पढ़ के और क्या खा के गई थी, कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा। सिर्फ अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर गई थी, ऐसे मत बोलिए वरना सब सारे सो जाएंगे। सारे एग्जाम्स में हम दोनों के पैर छू के गई थी, दो हमारे उसमें ये होता है कि लड़कियां पैर नहीं छूती। Exactly. तो वो हमेशा हर पेपर में पैर छू के गई थी। मैं तो रोज़ों में मम्मी पापा के पैर छू के जाता हूं। नहीं देखो हमारे हिंदू उसमें ना लड़के छूते हैं पर लड़कियां यूजुअली नहीं छूती, पर उसे ये था कि माँ बाप का आशीर्वाद सबसे जरूरी। मुझे लगता है करिश्मा बादाम ज्यादा खाती है। आपको बहुत सारी ढेर सारी विशेस और पूरे मुजफ्फरनगर के लिए, मतलब बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट है। और सर हमारे साथ में फादर जो कि करिश्मा के हैं, सर हेलो, आपकी बेटी ने सच में करिश्मा कर दिया। जी जी वो करिश्मा का करिश्मा ही है। तो आप अपने बेटे को बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जब मेरे को पता लगा, मेरे दोस्त हैं अजय मित्तल जी, उनका फोन आया, बधाई दी उन्होंने, मैंने कहा किस चीज की बधाई, मुझे न्यूज का नहीं पता था, मैंने टीवी भी नहीं देखा था, और ऑल ऑफ ए सडन मेरे को पता लगा अजय मित्तल जी से कि बिटिया ने टॉप किया है। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं घर पहुंचा, लिफ्ट से टाइम लग रहा था तो मैं स्टेयर से ही ऊपर फ्लैट तक पहुंच गया और मैं जाके रोने लगा। खुशी के आंसू थे मेरे में, इतना सारा एक्साइटमेंट अचानक, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मिठाई कहाँ है हमारी? बहुत ही खुशी हुई। ओके सर, मतलब मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इंस्पायर हो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, और एक बार फिर से करिश्मा आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके मम्मी पापा ने बहुत सारी। आप सुन रहे रेडियो एसडी 90.8 FM, जहां पे आपके दिल की बात, और दिल की बात करने के लिए अभी दीक्षा है हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी मेरी बात करिश्मा से पूरी नहीं हुई है, लड़की की बात वैसे भी जल्दी खत्म नहीं होती, राइट करिश्मा? कभी नहीं होती है ना। सो अभी तुम्हारी फ्रेंड से सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है जब से रिजल्ट अनाउंस हुआ होगा सभी लोग जो है आपको फोन कर रहे होंगे, तो उनके क्या मैसेजेस आए तुम्हें वो भी बताओ हमें। सबने यही कहा था कि हमें तो एक्सपेक्टेड था कि तुम ही टॉप करोगी,
आई वॉज सो हैप्पी और मेरे फ्रेंड्स मेरे घर आए और बहुत अच्छा लगा. सबका पहले से इतना सपोर्ट था और सब मेरे से इतना एक्सपेक्ट करते थे तो उन लोगों का बिलीफ उनका ट्रस्ट तो वो आज फुलफिल हो गया. वेरी नाइस वेरी नाइस. लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के टाइम पे ना लोगों का बहुत बहुत कम बहुत माइनर सा रह गया इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ लेकिन तुमने टॉप किया है स्पेशली मुजफ्फरनगर से. दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस. और हमारे आर्जे शानू जो हैं वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. रेडियो एस 94.8 एफएम से आर्जे शानू आप सभी के साथ. करिश्मा मैं तुम करिश्मा का करिश्मा हो वैसे तो. अभी मैं तुम्हारे से पूछना चाहता हूँ सबसे पहली बात जो अभी तक मेरे ख्याल से नहीं हुई है. SD पब्लिक स्कूल जो है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे प्लीज बताइए उसके बारे में. SD पब्लिक सबसे पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी प्रिंसिपल के लिए मिसेस चंचल सक्सेना मैम क्योंकि हमारा हमारे शहर में ह्यूमैनिटीज अब तक नहीं था तो हमारा फर्स्ट बैच था ह्यूमैनिटीज का. तो उनको सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उनकी वजह से मैं SD में आई स्कूल में आई. 11th और 12th मेरा स्टैंडर्ड SD से मैंने पास आउट किया है और बहुत ही मतलब ये मेरे सबसे हैप्पीएस्ट ईयर्स है मेरी स्कूल लाइफ के. तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए और मेरे टीचर्स जिन्होंने पूरे साल इतनी मेहनत करी है. क्या बात है. अभी जो मेन सवाल उठता है क्योंकि आगे है ना बच्चे और भी हैं जो आपको जो आपने बताया कि वो बहुत ही एक्साइटेड है. सबसे पहली बात अभी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी क्या क्या तरीका रहा था पढ़ने का जिसकी वजह से आप ये टॉप कर पाई है वो प्लीज आप बताइए सभी को. मैं सुबह उठ के पढ़ाई करती थी और कभी भी मैंने रोट लर्निंग पे विश्वास नहीं किया है. मैं हमेशा ये समझती हूँ कि अगर आप अच्छे से कंसेप्ट्स को समझोगे और फिर आप खुद अपने आंसर्स अपने एग्जांपल से क्रिएटिव वे में लिखोगे तो आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं. क्या बात है. फिर इसमें ना मैं हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि रेडियो एस 94.8 एफएम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है. साथ ही साथ दीक्षा है हमारी. अगर कुछ सवाल रह गए तो आप कर लीजिए. बिल्कुल मेरे सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं अभी. तो करिश्मा मुझे ये बताओ व्हाट नेक्स्ट अब क्या. अब मुझे अभी आगे साइकोलॉजी ऑनर्स करना है. okay. और मैं कथक सीखती हूँ श्रीमती गीतांजलि लाल जी से दिल्ली में. okay. और तो मैं साथ में अपना डांस कंटिन्यू करना चाहती हूँ. मल्टी टैलेंटेड दैट्स वेरी नाइस. और हम आपको डेफिनेटली दोबारा बुलाने वाले हैं बिकॉज आई एम अ डांस लवर. और अभी अभी इंटरनेशनल डांस डे गया है. बिल्कुल मुजफ्फरनगर का नहीं इंडिया का नाम रोशन करने वाली है. एग्जैक्टली मुजफ्फरनगर की ओर से लाइक दिस इज अ बिग थिंग. अपना शहर मेंशन करना बहुत जरूरी है बिकॉज मुजफ्फरनगर से आप हैं और मेरे तो बहुत अभी भी मेरे को ऐसे गूज़बम्स आए हुए हैं बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी. बहुत रेयर होता है जैसे कि हमारे छोटे छोटे शहर होते हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है बहुत कम होता है बट तुम यहाँ से इमर्ज होकर निकली हो. दैट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. विल यू कम बैक विद अस राइट. यस डेफिनेटली डेफिनेटली. ठीक है. थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर बीइंग हियर विद अस. वी आर वेरी ऑब्लाइज्ड टू हैव यू हियर. एंड अभी तो बहुत सारी विशेज हैं हमारी तरफ से तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए भी वहाँ भी टॉप करके आना. ठीक है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच करिश्मा. और अभी रेडियो SD पे जैसे कि जैसे हमारे साथ